अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राजा अगले सप्ताह मुंबई के लालबाग के तर्ज पर देवास के लालगेट के राजा विराजने वाले संस्था सिद्धि विनायक देवास जिले का सबसे बड़ा मंच है। किस तरह का इस बार आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है? जैसे आपने बोला, संस्था सिद्धि विनायक देवास का सबसे बड़ा जो संगठन है इस गणेश उत्सव को मनाने के लिए भी, और वैसे भी इससे बड़ा आयोजन कोई होता नहीं है, तो उसकी तैयारियाँ देखने के लिए मैं आई थी। और हमेशा की तरह इसकी तैयारियाँ बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। जो सोचते नहीं हैं हम लोग, वो करके दिखाते हैं ये संस्था। और मैं देखने आई हूँ और दिख रहा है कि बहुत ही भव्य पंडाल भी बन रहा है और व्यवस्थाएं भी इस बार हमेशा से दुगनी चौगनी तरीके से कर रहे हैं। 10 दिन में भजन संध्याएं हैं और अलग अलग कार्यक्रमों को उन्होंने रोज़ रखते हुए, अभी मैं पूरी जानकारी ले रही थी इसके संस्थापक और मुख्य कर्ता धर्ता पूरे जो हैं हमारे नगर निगम के सभापति श्री रवि जैन जी हैं, वो अपने मित्र मंडल के साथ इसका आयोजन करते हैं। अभी इनसे पूरा जानकारी ले रही थी मैं कि अलग अलग दिन में हरतालिका तीज का एक अलग उत्सव होता है, फिर भजन संध्या होगी और फिर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे पूरे 10 दिन। अपनी श्रद्धा यहाँ पे गणेश की जो आरतियाँ होंगी वो भी बहुत भव्य होती है शाम के समय, तो इनको सब देखने के लिए देवास वासियों के लिए एक मंच प्रदान करता है संस्था सिद्धि विनायक, जिसमें सभी लोग एकत्रित होके गणपति बप्पा के उत्सव को मना सकें। उत्साह के साथ सब शामिल होते हैं और हमने देखा है कि संस्था सिद्धि विनायक के लोग भी कुछ दिन पहले पीले चावल लेके घर घर जाते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। और महिलाएँ जिस उत्साह के साथ हरतालिका तीज पर उमड़ कर आती हैं, वो भी देखने लायक होता है, क्योंकि हरतालिका तीज बहुत जगह नहीं मनती है। यहाँ पर ये एक मंच प्रदान करते हैं कि महिलाएं आकर रात भर भजन सुनती हैं, तैयार होकर आती हैं, सभी महिलाओं के लिए एक जो उत्सव का माहौल प्रदान करता है संस्था सिद्धि विनायक, वो बहुत ही उल्लेखनीय है।